लेसिटी लीजिस ऑफिस बिल्डिंग्स फ्रॉम अ लेसर, एक जो लेसिटी है वो लेसर से ऑफिस बिल्डिंग लीज पर लेता है। और सितंबर में जो COVID-19 आता है, जो सितंबर 2020 में COVID-19 आता है, उसके चक्कर में जो टी है वो कहता है यार रेंट कंसेशन कर दे, लेसर को कहता है, तो लेसर मान जाता है, कहता है कि जो रेंट कंसेशन है मैं 1 अक्टूबर 2020 से करूँगा और अगले 12 महीनों के लिए कर दूँगा। यानी जो रेंट कंसेशन है वो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के कब तक चलेगा, 31 सितंबर 2021 तक चलेगा। वेदर द रेंट डेफरल इज एलिजिबल फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट इफ द अदर कंडीशंस आर मेट। तो देखो ये यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है वो आप जो है वो आप तब यूज कर सकते हो जब 4 कंडीशन आपकी जो है वो मेट हो जाए। उसमें से एक कंडीशन ये है कि जो जो भी रेंट कंसेशन हुआ है, चाहे रिडक्शन के रूप में हुआ हो, चाहे वेवर के रूप में हुआ हो, चाहे डेफरल के रूप में हुआ हो, वो सिर्फ कब तक हो सकता है, जो वो 30 जून 2021 तक की जो रेंट ड्यू है ना, 30 जून 2021 तक की रेंट जो ड्यू है सिर्फ उस पीरियड तक हो सकता है। उसके बाद के पीरियड के लिए अगर कोई भी रेंट कंसेशन होता है तो वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी और जो लेसी है वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट वाला ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि चलो ये वाला ऑप्शन तो फुलफिल नहीं हो पाया कि 30 जून 2021 तक की का जो रेंट है सिर्फ उसी के ऊपर आपको रेंट कंसेशन मिलना है, लेकिन इसके अलावा और जो बाकी जो 3 कंडीशन अगर वो भी मैट हो जाए तो क्या मतलब जो LIC है वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का ऑप्शन, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के ऑप्शन के लिए एलिजिबल होता है। तो बाकी के 3 कौन कौन से हैं, कि जो रेंट कंसेशन है वो कोविड की वजह से होना चाहिए, वो तो साफ क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि कोविड की वजह से रेंट कंसेशन हो रहा है, और जो रेंट कंसेशन के बाद जो लीज रेंटल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है या थोड़े से कम हो गए हैं बस। तो अगर ये भी हम मान ले जाए कि हाँ कि रेंट सेम ही है, आधा परसेंट कम होने के बाद, मतलब आधा नहीं 50% कम होने के बाद, रेंट आधा होने के बाद अगर हम फिर भी मान के चले कि नहीं रेंट उतना ही है, एक तरीके से आग पट्टी पे आग, आग पे पट्टी भी बांध ले तो भी, और ये भी मान ले कि जो लीज टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं हुआ है, तो भी ये बात तो कोई झूठ ला नहीं सकता है ना कि जो लीज रेंटल में जो कंसेशन है वो 30 जून 2021 के बाद भी इसको अवेलेबल है। तो यानी चारों के चारों फुलफिल होने चाहिए, इसमें से एक कंडीशन एक भी अगर फुलफिल नहीं हुई तो लेसी प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकता है। तो सिंस इसमें एक जो कंडीशन है उसका वायलेशन हो गया है, भले तीनों के तीनों मेट हो रही हों, तो जो है लेसी वो एलिजिबल नहीं होगा प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए।